तो मैं हूँ चिराग बब्बर आर्टिस्ट के रंग, चिराग के संग से आज मैं लेके आया हूँ अपना एपिसोड। तो जल्दी जल्दी सब आ जाए मेरे साथ मेरे एपिसोड पर। आज हम आ रहे हैं पंजाब की एक बड़ी हस्ती के साथ, काफी बड़े महीना शुरू हो चुका है, आज पहला रोजा था। हाँ जी सर, सबसे सबको मुबारकबाद देते हुए ये दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक सबकी जायज तमन्नाएं पूरी करें और आपकी भी सारी तमन्नाएं पूरी हों। और दूसरी बात, जिस बीमारी से हमारा ये मुल्क जो है वो जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, वो है कोरोना वायरस, उससे निजात मिले, ऐसी मेरी दुआ है। और इसी दुआ से मैं आज का जो ये आपका इंटरव्यू का सिलसिला है वो शुरू करना चाहूँगा। जी सर, तो सर हमारा सर पहला क्वेश्चन यही है कि जो एक नाम है सर कवाली में, बुलंद आवाज है सर आपकी, सरदार अली जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है, चाहे पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई और शहर हो, तो सर ये नाम आपने स्टार्ट कैसे करा सर अपना, ये कवाली का सिलसिला ये सर कहाँ से ये आगाज किया सर आपने इसका? अगर इसकी जर्नी की बात करूंगा तो बहुत बड़ी कहानी है, लंबी बात है। और माँ बाप ने नाम दिया सरदार अली, और मैं अपने घर में 6 भाई और 1 बहन, 7 में से सबसे छोटा हूँ। क्या? सबसे छोटा हूँ, और यकीनन जो सबसे छोटा होता है वो माँ बाप का थोड़ा लाडला भी रहता है। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में कुछ इतना ज़्यादा सीख नहीं पाया था, क्योंकि लाड प्यार में पला बड़ा। हाँ जी सर, ये जर्नी जो है बहुत पुरानी है, ऐसे ही नाम नहीं बनते। नाम कमाने के लिए मुर्शद की रहमत, मेरे साईं की रहमत जरूरी है। सही बात है सर। आपका गाना बजाना काम एक तरफ, और मुर्शद की रहमत, मेरे साईं मुराद शाह, साईं लाडी शाह जी की रहमत एक तरफ, तो उनकी रहमत है, और मेरे मुर्शद हजरत खलीफा शेर मोहम्मद सरकार, उनकी रहमत है, इसकी वजह से आज मेरा नाम होता है। तो व्यूअर्स भी बहुत प्यारे प्यारे। हाँ जी सर, मैं ये नाम के पीछे इतना ज्यादा नहीं दौड़ता, मैं सिर्फ वो जो दुआएं होती हैं वो लेने के लिए ज्यादा उत्सुक रहता हूँ, वो दुआएं मिले और मिलती रहें। नाम बनाना बड़ी बात नहीं है, नाम बनाए रखना बड़ी बात है। तो दुआएं लेना बड़ी बात नहीं होती, दुआएं लेते रहना बड़ी बात है। तो ये सिलसिला ऐसे ही अल्लाह पाक की रहमत से, मेरे साईं की रहमत से चल रहा है, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और आपके प्यार से चलते रहेगा। थैंक यू सो मच सर। तो जितने मेरे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं सरदार अली जी की ओर से, मेरी ओर से, सबका वेलकम है मेरे शो पर आर्टिस्ट के रंग चिराग के साथ। एक छोटा प्लेटफॉर्म था, सरदार अली जी ने आके वो प्लेटफॉर्म ऊंचाइयों पर ले आए आज वो। सर मैं बता नहीं सकता, मेरे को दिल से इतनी खुशी हो रही है आपको सामने देखकर। सर मैं आपको बताऊं, मैं आपको 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूं, इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी, साईं ए सहारा में आप आते हैं सर दिल्ली में हर बार हाजिरी लगाने। मेरा सर पता नहीं कभी पेपर हो जाता है, कभी कुछ, मैं रह जाता हूं, तो मैं कभी आपको लाइव नहीं सुन पाया सर। मैंने लखोदर की आपकी सारी वीडियोज देखी है, मेरे पेन ड्राइव में सेव है सर वो सारी, कभी फ्री बैठता हूँ तो लगा के बैठता हूँ। तो आज मेरे को सही में इमोशनल हो जाऊं बस कि आप मेरे सामने बैठे हैं आज, तो मेरे लिए काफी बड़ी बात है, मेरे शो के लिए काफी बड़ी बात है सर। आपको बता दूं हमारे साथ। हाँ जी, आप बड़े अच्छे हो चिराग जी, और आपका बोलना और एक अच्छी शख्सियत हो आप, रिस्पेक्ट देने वाली शख्सियत हो, अल्लाह आपको और नवाजे, मेरी दुआ। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, मेरी मॉम भी आपको लाइव देख रही है, वो भी को काफी सुनती है, आपकी कवालीस पसंद करती है, तो वो भी हमें लाइव देख रही है। चिराग की मम्मा को भी मेरा सलाम है जी, पूरी फैमिली को, या आप लोग सुन रहे हो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बीच में कुछ यहाँ पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, जंगल माछी वाड़े का बेनती करें। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, तो डिमांडे बहुत आ रही है, तो मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, दिल्ली में आपका पंजाब में इतना नहीं है जितना आपके दिल्ली में क्रेज है सर, दिल्ली में बहुत सुनते हैं लोग आपको। मैं एक दिन चौकन्ना रह गया, एक गाड़ी में सर आपका नया भजन आया, मेरे साईं तेरे नचते मलंग वेकल है, तो मेरे सामने से वो गाड़ी गुजर रही थी, उसमें आपका ये भजन चल रहा था, तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि यार क्या बात है, मतलब
की नाम है। सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, हम गाने भी सुनेंगे तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे क्योंकि एक इंटरव्यू भी हमारे कंसेप्ट के साथ। सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपका नकोदर वाले लाठी शाह जी के साथ नाम है, वो उनसे आपका मिलना कैसे हुआ, उनके साथ कैसे जुड़े सर आप सबसे पहले? ये जो मुर्शिद लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, ये इनको मिलना किसी के बस की बात नहीं है, ना ही इनको कोई मिल सकता है और ना ही ये किसी से मिलते हैं। ये तो जब इनका दिल करे तब मिलते हैं। क्या बात है? ये साईं जी के बारे में तो मैं जिक्र करना मेरे लफ्जों से बाहर है, मेरे लफ्जों की औकात नहीं है कि मैं उनका जिक्र करूं, उनकी रहमतों का जिक्र करूं। बस जब उनका दिल किया तो बुला लिया। तो मैंने वैसे अगर मैं लफ्जों की बात करूं तो मैंने 9 साल इंतजार किया है साईं जी से मिलने का। तो 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में, तो मैंने 9 साल इंतजार किया, 9 ईयर्स मैंने इंतजार किया कि मैं कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, मगर मेरी औकात नहीं थी उनसे मिलने की। जब उनका दिल किया तब उन्होंने बुलाया और फिर नवाज दिया। क्या बात है सर, मैं भी चाहता हूँ नकोदर जाना, उनकी धरती पर माथा टेकना, बट पता नहीं क्यों वो बुलाते नहीं है, मेरा जाना कभी नहीं हो पाया। बहुत ट्राई करा मैंने बट नहीं जा पाता, मैं टीवी में ही देखता हूँ, दर्शन करता हूँ उनके, तो उनसे पता नहीं जब बुलाएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत नहीं है, जब साईं जी का वो तार मिल जाएगा आपसे तो वो खुद ब खुद बुला लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आप नकोदर पहुंचे। बहुत अच्छा सर, तो काफी अच्छा लग रहा है मैं आपसे बात करके। सिर्फ सरदार अली जी सिर्फ सिंगर ही नहीं है, एक ग्रेट पर्सन भी है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। पहले सर मैं डर रहा था आपको फोन करने से कि कहीं यार ये डांट ना लगा दे या कहीं कह दे यार कि शो तेरा छोटा है मैं नहीं आऊंगा, मैं काफी डर रहा था, बट मैंने नाम लेके साईं जी का हिम्मत करके कॉल करी और आप हमारे बीच में आज, तो मेरे लिए काफी बड़ी बात है। ये छोटा बड़ा स्टेज कोई नहीं होता, स्टेज स्टेज है, स्टेज किसी के बाप का नहीं है। अगर इज्जत देनी हो तो छोटी स्टेज दे देती है, अगर बेइज्जती करवानी हो तो बड़ी स्टेज भी नहीं छोड़ती। तो ये सब बस आप छोटी स्टेज हो बड़ी स्टेज हो, बस आप करते जाओ, आपका काम है काम करना, आपका मकसद है काम करना। अब वो छोटी स्टेज है बड़ी स्टेज है इससे कोई मतलब नहीं होता, कभी भी आप काम करते जाओ काम करते जाओ, तो उसी में से कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा जो आपको जिंदगी भर के लिए नवाज देगा। खराब कुछ नहीं होता। सही बात है। तो सर मैं ना मेरे शो में जो भी आर्टिस्ट आता है उसका अपनी शायरी के साथ वेलकम करता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, बट हिम्मत नहीं है आपके सामने उस टाइम शायरी करने की, पर एक गुस्ताखी करूंगा सर मैं शायरी करने की आपके सामने। सुनाइए प्लीज सर, कि साईं जी को कह रहा हूँ कि तेनू प्यार करते हैं तेरे हर एक असूल नू अपना असूल कहांगा, तेनू प्यार करते हैं तेरे हर एक असूल नू अपना असूल कहांगा, जे तू मैनू मरण नू भी कह दे ता मैं हंस के कबूल कहांगा। तो आई थिंक मेरी आवाज सर आवाज आ रही है मेरी क्लियर? नेटवर्क प्रॉब्लम सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब शेयर तो ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो मैं शुरू करता हूँ कि तेनू प्यार करते हैं तेरे हर एक असूल नू अपना असूल कहांगा, तेनू प्यार करते हैं तेरे हर एक असूल नू अपना असूल कहांगा, जे तू मैनू मरण नू भी कह दे ता मैं हंस के कबूल कहांगा। बलियों के आस्थाने हैं, जैसे वहाँ पे साई महाराज शाह जी हैं, साई बाबा शेर शाह जी हैं। उसके बाद जो उसके पास बचा वो उन्होंने गरीबों में बांट दिया, तो जैसे ही गरीबों में बांटा तो अल्लाह पाक अपने ही किए हुए वादे में फंस गए कि अब क्या करें, इसके मुकद्दर में रोटी तो इतनी थी मगर इसने काम ही ऐसा किया कि अब इसको रोटी और देनी पड़ेगी। तो जितनी रोटियां उसने लंगर में गरीबों को खिलाई और उतनी ही रोटियां 10 गुना होके वापस आ गई। तो साफ जाहिर है कि आपके मुकद्दर में कुछ भी ना हो तो अगर आप कोई अच्छा काम कर देते हो अल्लाह तक वो भी लिख देता है जो आपके मुकद्दर में नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप सोचते हो कि ना ये मेरे मुकद्दर में नहीं हो सकती, वो भी अल्लाह पाक लिख देते हैं अपने मुर्शिद के सदके में।
तो ऐसा हुआ कि वो उसकी जिंदगी तो है ही थी, काफी बड़ी जिंदगी थी, मगर रोटियां बांटने से उसका रिस्क भी बढ़ गया, बरकत थी, तो वो उसके लंगर शुरू हो गए। तो ये वही बात है कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी किसी चीज को स्टोर मत करो। सर जी आपको सैल्यूट है सर, आपको नतमस्तक है हमारा, हम यही कर सकते हैं सर, आपसे बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर, तो हम आपके लिए ताली भी नहीं बजा सकते सर, हम आपको बस यही कर सकते हैं, जितने भी मेरे आपसे यही गुजारिश जरूर बार बार करूंगा कि आप घर पे ही बैठे, क्योंकि मैं एक आपको बात बताता हूँ, अगर कुछ मुस्लिम व्यूअर्स भी सुन रहे हों तो वो भी इस बात को गौर करें और सुने कि जो महामारी होती है इसका जिक्र कुरान में भी है और अल्लाह के नबी की हदीसों में भी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि अगर कहीं पे भी महामारी नाजिल हो, अजाब नाजिल हो, तो आप जहाँ पे भी हो वहीं पे ही रुक जाओ, वहाँ से इधर उधर मत जाओ, बाहर मत जाओ और किसी को अपने घर मत आने दो, आप किसी के घर मत जाओ। यहाँ तक बोला है कि आप अगर उस शहर में हो, उस मुल्क में हो जहाँ पे ये बीमारी फैली है, तो आप वहाँ से भी बाहर मत निकलो, उसी मुल्क में रुक जाओ। अगर वहाँ पे उस बीमारी से आपकी मौत भी हो जाए तो अल्लाह ने कुरान में ये बात का वादा किया है कि उसको शहादत की मौत का दर्जा मिलेगा। क्या बात है सर, सही में सर आपने मेरा शो आके एक रेपुटेशन बढ़ा दी। सर कुछ होते हैं जो फनकार सिर्फ गाते हैं, लेकिन आप वो फनकार है जो गा के आवाज को दिल तक पहुंचाते हैं हमारी, तो काफी हमें अच्छा लगता है सर आपको सुन के, बहुत प्यार मिल रहा है, व्यूअर्स से भी हमारे बहुत कमेंट कर रहे हैं, काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी सर आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं सर, मेरे लिए नहीं आ रहे, आपके लिए आ रहे हैं सारे कमेंट्स, आज के पूरा एपिसोड सर आपका है आज। आप अच्छे अच्छे कमेंट को छोड़ के जो गलत आ रहे हैं उनको लो पहले वो सर मेरी टीम ढूंढ रही है, वो मेरी टीम ढूंढ रही है सर, नहीं मेरे को लगता नहीं है ऐसे आएंगे कमेंट। तो सर हम थोड़ी अब हमने प्रोफेशनल बातें बहुत कर ली, बहुत आपको हमने थोड़े मुश्किलों में सवाल पूछे, कुछ हम थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस से पूछते हैं सर, कि सर आपकी एक सर, एक इंसान की लाइफ में होती है ना स्कूल लाइफ जो उसकी यादगार रहती है, उसके स्कूल के दोस्त उसके यादगार रहते हैं, तो कुछ वो किस्सा अगर आप हमारे सामने करना बताना चाहें, क्योंकि शायद आपने कभी अपने स्टेजों पर नहीं बताया होगा ये किस्सा, तो प्लीज अगर कुछ यहाँ बताना चाहे तो सर प्लीज। बात यह है, बचपन तो बहुत ही प्यारा होता है, सबका बचपन बहुत प्यारा होता है, तो ऐसे मेरा भी जो बचपन गुजरा बहुत खूबसूरत गुजरा, बड़ा अच्छा गुजरा, और हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो जहाँ पे वो बैठने के लिए वो नीचे वो अपने घर से ही लेके जाया करते थे एक थैला, उसको उसके उस वक्त हमारे थोड़े से समय के बाद फिर वो डेस्क वगैरह आए, वो टेबल टू जो आए, तो गरीबी में सारा वक्त गुजर गया, उसमें कुछ इतना एहसास भी नहीं हुआ कि कहाँ क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती क्या। हाँ इतना जरूर है कि मैंने चोटें बहुत खाई, यहाँ पे मेरे एक निशान है, यहाँ पे एक निशान है, घुटनों पे बहुत निशान है, तो उससे लगता है कि मैं बहुत शरारती था, पढ़ी ना पढ़ क्या बात, ये मैंने कभी जिक्र नहीं किया, तो वो जब भी मुझे, अभी भी वो हैं बुजुर्ग हो गए हैं, वो जब भी मुझे मिलते हैं मैं उनके पैर छूता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि सर मेरी पांचवी क्लास की वजह से हूँ तो आपने पास करवाई। क्या बात है सर, तो काफी अच्छा लगा मैं तजुर्बा जान के, मेरा शो का मकसद भी यही है कि आर्टिस्ट के रंग चिराग के संग, जो आपने कभी कहीं नहीं बताया तो सर आपको यहाँ आके बता रहे हैं,
तो मेरा एक लेवल भी बढ़ गया, आपने रेपुटेशन बढ़ाई हमारी। सर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे 35 मिनट हो गए हैं और 250 कमेंट गए हैं, हाईएस्ट स्कोर है हमारा अब तक का। 35 मिनट में 250 कमेंट हमें अब तक आ चुके हैं। जो जो कमेंट करे सबका थैंक यू सो मच, सबको जय मस्ता दिए। सर हम आगे बढ़ते हैं, तो सर आपके जो स्कूल वाले दोस्त है आपको अभी भी याद आते होंगे, तो क्या वो अब आपके जो बचपन के यार है, जो दोस्त है, वो अब आपको मिल पाते हैं सर, या कैसे रहते हैं? क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपके पास भी है, सरदार अली साहब के फेवरेट कवाल नुसरत फतेह अली खान साहब हैं और क्यों? हाँ जी सर, मैंने पूछा है जो व्यूअर्स हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, क्यों? ये जस्सी के करके कुछ है तो।